गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम अपनी एक्सरसाइज 9.1 को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग को करना बेटा 13 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसका सम बेटा 90 डिग्री होता है। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। टू एंगल्स, अगर दो एंगल्स हैं और वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका सम होता है 180। अगर एक लाइन पर अगर दो एंगल बनते हैं तो उन्हें हम लीनियर पेयर कहते हैं, और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। सो टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर 180 डिग्री। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म अ 180 डिग्री। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। देखिए, अगर दो लाइंस हैं वो ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तो इसे हम कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, फिर है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज। देखिए, जैसे ये दो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, अगर ये एक्यूट है तो ये दोनों ऑब्ट्यूज होंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद करना है हमें क्वेश्चन नंबर 14 का वन क्वेश्चन करना है। इसमें हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है। हमें पता है इन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा, चूंकि ये एक लाइन पर बने, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस हम कर देंगे 180 के इक्वल। देखिए, एंगल BAC प्लस एंगल CAD प्लस एंगल DAE, तीनों का सम 180 हो गया, ऐड करके इक्वल रखेंगे 180 के। एक्स प्लस एक्स प्लस 3x 5x हो गया, 20 में से 5 गया 15 इक्वल 180, प्लस का 15 इधर ले गए, 180 में से 15 गया बचा 165, 5 डिवाइड में जाएगा, सो x की वैल्यू हो गई 33 डिग्री। अब देखिए इस क्वेश्चन में इन चारों का सम 360 डिग्री होगा, चूंकि ये कंप्लीट एंगल है। सो एंगल AOC प्लस COB प्लस BOD प्लस AOD इज इक्वल टू 360। इन AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस AOD का सम 360 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल्स हैं। अब इनकी वैल्यू डाल दी, ये 35 डिग्री थी, ये 95। ठीक है, ये है आपका, सॉरी हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, हम ये वाला कर रहे थे। ठीक है, तो एंगल AOC COB प्लस BOD प्लस DOA 360। ठीक है, ये भी 360 क्यों है, ये भी कंप्लीट एंगल है। सो इसकी वैल्यू है x, इसकी वैल्यू 2x है, इसकी है 2x, इसकी वैल्यू है 60 डिग्री। 2x 2x 4x प्लस 1 5x, प्लस का 60 इधर ले जाएंगे, 300 हो गया, डिवाइड 5 डिवाइड में जाएगा, आंसर आ गया 60 डिग्री। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी सबका सम 360 होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल बन रहा है, सो सबको ऐड करेंगे। ठीक है, AOB प्लस BOC प्लस COD इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए, इन सबका सम 360 होगा, चूँकि ये भी कंप्लीट एंगल्स हैं, इसकी वैल्यू 35 है, इसकी 95 है। ठीक है, इसकी वैल्यू x है, इसकी 75 है, इन सबको जोड़ेंगे, 5 5 10 प्लस 5 15 का 5 के लिए 1, 8 और 3 11 और 9 20 का 0 कैरी 2, ये हो गया 20। अब 250 205 इधर जाएगा, प्लस का 205 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 0 गया 5,
यहाँ रह गया 3, इसे टू गया 1, तो x की वैल्यू हो गई 155 डिग्री। अब सेम टाइप आपका क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स एक्स वाई जे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें देखिए x 55 के बराबर होगा, वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल ही अपोजिट एंगल है, और इसका इसका सम 180 होगा, इससे y निकलेगा, और फिर ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ सी इक्वल होगा 55 डिग्री के। ठीक है, चूंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, अब एंगल सी ओ ए, देखिए सी ओ ए और ए ओ डी इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, चूंकि लीनियर पेयर है, एक लाइन पे बन रहे हैं, ये 55 है, ये 5 है, तो प्लस का 55 बदल जाके माइनस का हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 1 का 1, तो y आ गया 125 डिग्री। z और y दोनों इक्वल होंगे, चूंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, देखिए y और z दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आप देखिए ये फिगर दी है, इस फिगर पे इन तीनों का सम 180 रखेंगे, चूंकि एक लाइन पे बन रहे हैं, x निकल आएगा, z और 40 बराबर होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो z 40 डिग्री का हो जाएगा, x और y बराबर होगा क्योंकि ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ए ओ सी सी ओ ई और ई ओ बी 180 लिखा हमने। ठीक है, ये हमें दिया 40 डिग्री, ये x है, ये 25 है, इनको ऐड किया 65 हो गया, प्लस का 65 दे जाके माइनस का हो गया, सो वी आर गेटिंग 115 डिग्री x की वैल्यू हो गई, z 40 डिग्री होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल सी ओ ई के, देखिए एंगल ए ओ डी इक्वल होगा सी ओ ई के, सॉरी सी ओ बी के, और ये क्या है x प्लस 25, सो y इक्वल होगा x प्लस 25 के। ठीक है, अब x है 115 डिग्री, ये है 25, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 प्लस 0, 10 का सिफर कैरी 1, 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 1 4, 140 डिग्री। अब देखते हैं हम लोग थर्ड वाला, देखते हैं थर्ड वाले में देखिए क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिया। अब देखिए इन तीनों का सम होगा 180, इससे x निकल आएगा और y की वैल्यू क्या होगी 2x होगी। ठीक है, और इसकी पूरी ये वैल्यू z के बराबर होगी। तो देखिए सबसे पहले एंगल ए ओ बी बराबर होगा 180 डिग्री, तो ये क्या है 2x प्लस 90 प्लस x है बेटा, इसका टू 180, 2x और x मिलके बन गया 3x, प्लस का 90 दे जाके माइनस का हो गया, x 3 डिवाइड में आ गया, x की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। अब एंगल ए ओ सी कितना है 2x, तो 2 इंटू 30 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 60 डिग्री। एंगल बी ओ ई x था 30 डिग्री हो गया, y इक्वल टू 2x है, तो 2 इंटू x यानी x की वैल्यू 30 डिग्री, तो y कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, देखिए 2 इंटू 30। ठीक है, सो y की वैल्यू होगी 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब y प्लस z कितना होगा 180, देखिए y प्लस z कितना होगा 180, अब y की वैल्यू हमें पता है 60 है, z निकल आएगा यहाँ से, प्लस का 60 तो जाके माइनस का हो गया, तो बचा हमारे पास 110 डिग्री का।